हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। प्लांट किंगडम लास्ट लेक्चर, लेक्चर 5, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। आज के ज़माने के जो प्लांट्स हैं, द मॉडर्न प्लांट्स, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स के बारे में उनका पूरा क्लासिफिकेशन कैसे है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो कैसे हमारे लिए बड़े सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर है आज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का जो जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं इस सेशन के साथ, फॉर ऑल ऑफ देम माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय क्वालिफिकेशंस, माय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट टॉट, सब कुछ आपके सामने है बच्चों। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ दैट इज ऑलवेज सेकेंडरी, प्राइमरी इज यू, एंड इट इज बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। अगर मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो शेयर कर दिया करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर #NEET Live Daily के थ्रू। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। ओके, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़े रह सकते हैं @UnacademyNEET Official के थ्रू। सो ये इंस्टाग्राम पेज है हमारा, यू कैन विजिट दिस पेज ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो टेलीग्राम ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर यू हैव इंस्टॉल, गो टू एनी ब्राउजर और टाइप करिए tinyurl.com/NEET Live Chat। आप जैसे ही इसको टाइप करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ग्रुप, और आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। आपको सारे के सारे अपडेट्स आपके क्लासेस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। एक और बेहतरीन फीचर, tinyurl.com/NEET Mobile। आपको ये URL टाइप करना है किसी भी ब्राउजर में, अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में। जैसे ही आप टाइप करेंगे tinyurl.com/NEET Mobile, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले। यहां पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स के लेक्चर वाइज डिस्कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी lecture 1, 2, 3, 4। सो इट इज ऑल लेक्चर वाइज, इट इज नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा का सारा आपको यहीं से मिल जाएगा। एंड यू कैन स्ट्रेट अवे डाउनलोड द PDF नोट्स फ्रॉम हियर। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, सारे के सारे लेक्चर्स को, PDFs को एक ही पॉइंट पर देखने के लिए। अब बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की। इंडिया का सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर लाइव क्लासेस होती हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। यू कैन ऑल्सो चैट विद द एजुकेटर्स वाइल इन द क्लास। जैसे कि यूट्यूब में चैट का ऑप्शन तो है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मतलब लिमिटेशन हो जाता है। आई हैव टू गो एंड चेक एवरी टाइम आई नीड टू चैट विद यू। बट जब क्लासेस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर चलती हैं बच्चों, तो डायरेक्ट आप चैट के साथ भी जुड़ सकते हैं, फैकल्टीज के साथ, अपने एजुकेटर्स के साथ। इंटरैक्टिव पोल्स होते हैं जिसमें आप अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और आप लर्न कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस भी अवेलेबल है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। सो फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। डाउट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे डाउट होंगे ही। अगर डाउट नहीं आ रहा, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप ढंग से। और अगर डाउट आ गए, तो उनको क्लियर करना डाउट आने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा डाउट और सारे डाउट्स को अट्रैक्ट करता है और सारे की सारी चीज में कंफ्यूजन आ जाता है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरह से चल रहे होते हैं। जो कोर्सेज चल रहे हैं, इसके अलावा 50-60 कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग, आप चूज कर सकते हैं कौन से क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, गो टू प्ले स्टोर एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर। आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड, क्लिक ऑन प्लस एंड देन नीट एंड देन फाइनली क्लिक ऑन दिस गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन एंड यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पेज। यहां पर आप सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, द लॉन्गर द ड्यूरेशन, द मोर कॉस्ट इफेक्टिव इट इज। और 2 ईयर के कोर्स का अभी प्राइस ड्रॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं यहां पर। अगर मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड प्रदीप लाइव एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर देते हैं आज का अपना लास्ट लेक्चर ऑन प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म्स। देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है और ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन द वर्ड एंजियोस्पर्म डज नॉट एग्जैक्टली मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। सो व्हाट डज दैट मीन, वी विल अंडरस्टैंड। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक बार देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। धीरज, सोमना, रमन, महेश, मानसी, सृष्टि, अंकित, बुशरा, श्रवण, शाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। और रूल तो आप जानते हैं कि भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ाते रहिए, ग्लूकोज मीटर ऑन रखिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ते रहना चाहिए। दैट्स ग्रेट। दैनिक यज्ञ के अंकित, पुष्की, अजय,
बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। एनर्जी को बढ़ाते रहिए, एनर्जी कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए। सो प्लांट किंगडम देख लेते हैं कि भाई एंजियोस्पर्म्स के बारे में। चलिए शुरू कर देते हैं आज के अपने डिस्कशन को। वंडरफुल, हैव अ लुक, एक बार देखिए आप। एंजियोस्पर्म्स, द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स। तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पॉसिबल है, और किसी ग्रुप में आपको इतनी बढ़िया खूबसूरती नजर नहीं आएगी। सो एंजियोस्पर्म्स आर द ब्यूटीफुल प्लांट्स। इनमें फ्लावर्स होते हैं जो कि कह सकते हैं कि नेचर में बेस्ट चीज है। सो दिस इज द फ्लावर। आई वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू, इसी वजह से मैं हट गया था, बट मुझे लग रहा है ठीक ही लग रहा नहीं। सो फ्लावर्स ब्लूमिंग, शायद आपको ये अच्छा लगा होगा, आई होप सो। लेट अस नाउ मूव अहेड विद द क्लासिफिकेशन, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो किंगडम प्लांटे हमने शुरू किया था क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे में डिवाइड करके, यानी कि दो सब किंगडम। दोनों सब किंगडम्स में हमने पढ़ा डिविजन्स, यानी कि विच आर इक्विवेलेंट टू फाइलम। हमने थैलोफाइटस के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटस के बारे में पढ़ा, टेरिडोफाइटस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी पढ़ लिया है। अब रहता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की स्टडी आज करी जाए। तो एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, और वो दो क्लासेस कौन कौन से हैं? डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी, यानी कि डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, जिनको हम इन शॉर्ट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म को इन दो में डिवाइड किया जाता है। तो चलिए इन एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, लेकिन अभी एक और सीन आपको देखना है। सी दिस क्लिप, वंडरफुल एंजियोस्पर्म्स। सो यू फील गुड व्हेन यू गो अमिड्स नेचर। जब भी आप नेचर में जाते हैं आपको अच्छा ही लगता है, इसी वजह से आपको बॉटनी भी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ऑफ दीज फ्लावर्स। वंडरफुल थिंग्स, द वंडरफुल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर। चलिए बच्चों, तो इस ब्यूटी को हमने समझ लिया, अब हम इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन लाइक्स का मीटर दबते रहना चाहिए। मोहम्मद, आमिर, शिखा, आकाश, मानसी, अंकित, बुशरा, चलिए सचिन, आमिर, सृष्टि, पुष्कि, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। और शुरू कर देते हैं भाई अपना डिस्कोर्स विद द एंजियोस्पर्म्स। समझ लेते हैं एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं। तो एंजियोस्पर्म में देखिए फ्रूट भी दिखाई दे रहा है आपको, फ्लावर भी दिखाई दे रहा है। और कहें तो अगर बात करें कि ये कहां पाए जाते हैं, तो बच्चों ये ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट्स में पहुंच चुके हैं, एवरीवेयर। और करंट और मॉडर्न एज इज द एज ऑफ द एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म है हमारे आसपास। तो अब बात कर लेते हैं इस टर्म की। द टर्म एंजियोस्पर्मे, एक्चुअल टर्म है एंजियोस्पर्मे, और ये एंजियोस्पर्मे टर्म की जो मीनिंग है ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव है। एंजियोन, एंजियोन का मतलब होता है कंटेनर और वेसल। तो कंटेनर और वेसल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो उनमें जाइलम में हम वेसल्स देखेंगे। तो इसमें कंटेनर और वेसल्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। हम इन जनरल बोल देते हैं एनजियो मीन्स क्लोज्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीडेड। वो एग्जैक्ट नहीं है, क्लोज्ड वर्ड नहीं है, एंजियोन वर्ड है एक्चुअली, जिसको कंटेनर और वेसल कहा जाता है। एंड स्पर्मा ऑफकोर्स मीन्स द सीड। तो यहां से नाम आया एंजियोस्पर्म्स, यानी कि द वंस विच हैज गॉट वेसल्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो बात कर लेते हैं इनकी, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या यूं कहें कि स्पर्मेटोफाइटस हैं। दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटस। हमने दो तरह की जनरेशंस की भी बात करी, इसके पहले के जितने भी हमने पढ़े हैं डिविजन्स, उनमें गैमिटोफाइटिक जनरेशन हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर क्या है, दे आर स्पर्मेटोफाइटस, यानी कि मेनली इनका जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन ही होता है, गैमिटोफिटिक जनरेशन। और गैमिटोफाइट इज too much reduced and it is dependent on the spermatophyte. Okay, so spermatophytes where ovules are enclosed in the ovary. यहाँ पर देखिए ovules ovary के अंदर enclosed होते हैं, और they will form the seed and those ovules are enclosed within the fruit. यानी कि formation के बाद वो fruit में बदल जाता है। यानी कि सरल शब्दों में अगर कहें तो ओव्यूल जो है सीड में परिवर्तित हो जाएगा और ओवरी जो है फ्रूट में परिवर्तित हो जाएगी। और कैसे हैं, क्लोज सीडेड। हैव अ लुक दिस वंडरफुल मैंगो। तो इस मैंगो में ऊपर की जब पील को इसको निकालते हैं, इसका जो एपिकार्प वाला एरिया है, जब उसको निकालेंगे, एपिकार्प मीजोकार्प
पेरिकार्प, कई सारे नामों से जाना जाता है इसकी लेयर्स को, तो इसके अंदर एक स्टोनी सीड मिलेगी, यानी कि वो सीड कहां से बनी, सीड वॉज डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहां पर ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। आज की डेट में जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो ग्रुप किसका है, वो ग्रुप है हमारे एंजियोस्पर्म्स का। सो दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब लार्जेस्ट है तो नंबर की भी बात कर ली जाए कि कितने हैं उसमें से। सो देर आर अबाउट 270,000 स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बच्चों देख लीजिए कितनी सारी स्पीशीज हैं, 270,000 स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिनमें से 220,000 डाइकॉट्स हैं और मोनोकॉट्स कितने हैं, 50,000 मोनोकॉट्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो 0.5 मिलियन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम, उनमें से कितने यहां पर हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 0.2 मिलियन बोल सकते हैं, 0.5 मिलियन में से 0.2 मिलियन तो सिर्फ यही हो गए, इसके अलावा बाकी सब स्प्रेड आउट हो गए। एल्गे भी काफी हैं, लेकिन ये जो बीच वाले हैं जिम्नोस्पर्म हो गए, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, ये थोड़े थोड़े कम हैं क्योंकि अब इनके हिसाब का क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं बचा हुआ। एल्गे के लिए बचा हुआ क्योंकि वो टोटली एक्वाटिक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो इनमें बात कर रहे हैं, तो इतनी सारी स्पीशीज मौजूद हैं, यानी कि 270,000, यानी कि 270,000, यानी कि 0.2 मिलियन बोल सकते हैं इसको। और ये देख लीजिए, विच फ्लावर इज दिस, सो दिस इज लोटस, निलंबो या निम्फिया, वाटर लिली, ये आपको कमेंट में बताना है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप इसको आइडेंटिफाई करें, वेदर इट इज लोटस यानी कि निलंबो या निम्फिया यानी कि वाटर लिली। ठीक है, ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स हैं, और जितने भी प्लांट आप आसपास देखते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो ज्यादातर आपको एंजियोस्पर्म्स ही दिखाई देते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं वैस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड। इनमें वैस्कुलर टिश्यू, नाम ही पड़ा है वेसल्स की वजह से, यानी कि कंटेनर। सो वैस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड, यू कैन हैव अ लुक हियर, द पॉइंट इज गिवन। तो वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड का मतलब क्या हो गया, यानी कि जाइलम फ्लोएम टोटल इनके अंदर पाया जाता है और विद ऑल द कंपोनेंट्स। जाइलम के सारे कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम के सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट है देख लेते हैं। जाइलम में वेसल्स हैं, जाइलम कंटेन्स वेसल्स, वेयर इज द फ्लोएम हैज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का नाम सुना हुआ है आपने, तो यहां पर सीव ट्यूब है, एंड सीव ट्यूब इज वन सच टाइप ऑफ प्लांट सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन लिविंग है। डेड वालों में तो न्यूक्लियस नहीं होगा तय है, लेकिन लिविंग में अगर हम बात करें तो वो सीव ट्यूब है। और इसका काम कैसे चलता है, कंपेनियन सेल इसको हेल्प करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसको गाइड करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वुल्फिया। आप देख लीजिए, आप अपनी उंगली पर वुल्फिया के एक एक प्लांट को उठा सकते हैं, और वो एक प्लांट दिखता कुछ ऐसे है, देख लीजिए दिस इज हाउ द प्लांट लुक्स। और आपको क्रीजेस दिखाई दे रही, जो फिंगरप्रिंट्स हैं आपको वो भी दिखाई दे रही, आप सोच सकते हैं अभी कितना छोटा है, ये फिंगर के ऊपर ऐसे करके रखा गया तो कितने सारे आ गए। दिस इज द स्मॉलेस्ट, एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि इसमें भी बच्चों फ्लावर आता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, और जब इसमें फ्लावर आता है तो फ्लावर इसके बाहर निकल आता है और थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है, जितना बड़ा प्लांट बॉडी नहीं उससे बड़ा फ्लावर हो जाता है। यानी व्हेन द फ्लावर इज ब्लूमिंग इन दिस, तो आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर नहीं दिखता, इसके ऊपर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर काफी ब्रॉड हो जाता है। इसकी पिक्चर्स बड़ी रेयर हैं फ्लावर्स की, तो फ्लावर को मैंने नहीं इंक्लूड किया, लेकिन बता दिया आपको कि भाई फ्लावर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में हमने वुल्फिया के बारे में समझा हुआ है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो वो वीडियोज भी आप देखना ना भूलें। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो दैट इज यूकैलिप्टस। जिम्नोस्पर्म वैसे तो सबसे टॉल होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो टॉलेस्ट है दैट इज यूकैलिप्टस। हैव अ लुक, यूकैलिप्टस नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एग्रोफॉरेस्ट्री के तहत हमारी कंट्री में भी लाया गया था और हमारी कंट्री में बहुतायत में पाया जाता है, काफी जगहों पर देखने को मिलता है यूकैलिप्टस। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का क्वाला बियर इसकी पत्तियों को खा करके जिंदा रहता है, तो क्वाला का आहार ये यूकैलिप्टस ही है। चलिए तो ये हो गया टॉलेस्ट, और बच्चों लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा होने चाहिए लाइक्स। Keep on adding the energy or the glucose. बात भी तो हम इन्हीं की कर रहे हैं जो photosynthesis को बखूबी use करते हैं और glucose बनाते हैं अपने लिए। अब बात कर लेते हैं angiosperms को किस part में divide किया जाता है। दो classes में divide किया जा सकता है, monocotyledony and dicotyledony. अब इन monocotyledony और dicotyledony के बीच में क्या क्या differences हैं, general differences को quickly देख लेते हैं, और ये differences they are including every डिफरेंस। ओके, मोनोकॉट के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, प्लांट्स हैव अ फाइबरस रूट सिस्टम।
मोनोकॉट्स में क्या होता है, कैसा रूट सिस्टम है, फाइबरस रूट सिस्टम, वेयर इज डाइकॉट्स हैज गॉट अ टैप रूट सिस्टम, डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा लेट अस हैव अ लुक द सेकंड पॉइंट इज लीव्स हैव अ शीदिंग लीफ बेस, शीदिंग लीफ बेस। ये जो शीदिंग लीफ बेस वाला टर्म है इसको कल के सेशन में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में समझने वाले हैं। तो मॉर्फोलॉजी रूट्स आपका कंप्लीट हो चुका है, कल लेकर के आऊंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस शीदिंग लीफ बेस। ग्रासेस में आपने देखा होगा पत्ती की कोई डंडी नहीं दिखती, पत्ती जो है स्टेम के साथ ऐसे चिपक के रहती है, शीदिंग लीफ बेस होता है और वहां से लीफ निकल रही होती है। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट। सिमिलर अगर डाइकॉट्स की बात करें तो लीफ में पेटियोल होता है, पेटियोल एंड लैमिना। पेटियोल का मतलब होता है द स्टॉक जो पत्ती की डंडी होती है और लैमिना इज द लीफ ब्लेड। फिर बात करते हैं मोनोकॉट के थर्ड पॉइंट के बारे में, लीफ शो पैरेलल वेनेशन। तो लीफ पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं। लीफ में अगर हम वेन्स को देखें, मान लीजिए ये लीफ है, रेड कलर की तो नहीं होती है, इसकी लीफ देखिए कुछ ऐसी होती है। तो दिस एरिया इज द शीदिंग लीफ बेस, ये स्टेम के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। और इसकी जो वेनेशंस हैं वो देखिए सारी की सारी पैरेलल चलती हैं एक दूसरे। वेनेशंस क्या है बच्चे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेनेशन कुछ भी नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर है ये किस तरह से है। सो दिस इज पैरेलल वेनेशन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट। वेयर इज अगर हम बात करते हैं डाइकॉटिलेडोनी या डाइकॉट्स की, तो लीव्स में रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, यानी कि अगर एक छोटी सी भी पत्ती होगी, एक डंडी होगी और उसके बाद इस तरह की मान लीजिए लीफ है, तो इसमें वेनेशन रेटिक्यूलेट है, दिस इज रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लावर्स आर ट्राइमेरस। मोनोकॉट में जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि वो थ्री या थ्री के मल्टीपल्स में होते हैं, 3, 6, 9 इस तरह के मल्टीपल्स में हो सकते हैं ट्राइमेरस। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। और यहां पर फ्लावर्स आर पेंटामेरस, इसमें फ्लावर्स पेंटामेरस होते हैं, यानी कि 5 पेटल्स होते हैं। चाइना रोज बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, मैं बचपन में याद किया करता था, अ शू फ्लावर हैज 5 पेटल्स, पेटल्स आर रेड। सो शू फ्लावर यानी कि चाइना रोज, उसको शू फ्लावर भी बोलते हैं, उसमें 5 पेटल्स होते हैं और उसकी पेटल्स रेड होती हैं। देखिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन से क्लास में मैंने ये पढ़ा था, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि हाँ मैंने पढ़ा था। तो आप लोग भी चीजों को याद रखा करिए। नाउ सीड्स हैव ओनली 1 कॉटिलिडन। मोनोकॉट का नाम ही कॉटिलिडन की वजह से पड़ा, मोनोकॉट। तो मोनोकॉट देख लीजिए, सीड्स हैव ओनली 1 कॉटिलिडन, वेयर इज इन डाइकॉट नाम ही कॉटिलिडन के ऊपर है, सो 2 कॉटिलिडन, दे हैव 2 कॉट। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक मोनोकॉट या डाइकॉट प्लांट को देख करके आप समझ सकते हैं, बाकी डिटेल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आ जाते हैं फ्लावर। सो फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये रहा फ्लावर, दिस इज अ कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर विच इज अ मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन। अब इसके पार्ट्स को आप एक बार देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पूरे के पूरे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोला जाता है। सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमन हैज गॉट अ फिलामेंट एंड एन एंथर। तो फिलामेंट क्या है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, डंडी है, ये जरूरी नहीं ग्रीन कलर की हो, ग्रीन भी हो सकती है, किसी और कलर की भी हो सकती है, दिस इज नॉट अ ट्रू पिक्चर, इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एंथर कभी भी ग्रीन कलर में नहीं होगा, बिकॉज एंथर इज नॉट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, रैदर इसका जो मेन वर्क है वो पॉलन्स का प्रोडक्शन है। सो एंथर विल प्रोड्यूस द पॉलन्स। सो इन दोनों चीजों को मिला करके, यानी कि एंथर और फिलामेंट को मिला करके हो जाता है स्टेमन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, एंड्रोशियम। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोशियम के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं एंथर की। सो एंथर का स्ट्रक्चर जो है यूजुअली बाइलोबेड होता है, दो लोब्स होते हैं, एंड द टू लोब्स आर सेपरेटेड बाय अ कनेक्टिव, यानी कि ये जो टिश्यू आप देख रहे हैं इसको कनेक्टिव भी बोला जाता है, इसमें वैस्कुलर स्ट्रैंड आता है, यानी कि वाटर एंड मिनरल की सप्लाई होती है। ईच एंथर लोब हैज 2 थीका। अब ईच एंथर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, थीका का मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड ईच थीका के अंदर 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, हर एक थीका में 1 माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ, तो टोटल कितने थीका हो गए, इन दैट केस थीका हो गया 1, 2, 3, 4, और देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया 4 है तो 4 थीका। लेकिन मैच्योरिटी के बाद यहां पर थोड़ी सी कंडीशन बदल जाती है, मैच्योरिटी के बाद
ये जो स्ट्रक्चर है पूरा कंटिन्यूअस हो जाता है, तो इन दैट केस वी कॉल इट डाइथीकस, यानी कि दो ही थीका रह गए, पहले चार थे, बाद में जब वो कंटिन्यूएशन थीका यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो वो दो थीका रह जाते हैं उस केस में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलेंस, इसको हमने डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है। तो कहां से होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मदर सेल टर्म जैसे ही आ गया आप हमेशा याद रखिएगा कि इसके बाद तो मियोसिस ही होना है, तो मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद देख लीजिए टेट्राड बनते हैं, पॉलन टेट्राड बनते हैं, पॉलन टेट्राड का फॉर्मेशन भी कई तरीके से है, अगेन मैं कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ लिया है इसके बारे में। तो यहां पर थोड़ा सा क्विक सक्सेशन में देखते हैं क्योंकि काफी सारी चीजों को हमने प्लांट किंगडम में इन वन लेक्चर समझना है। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात कर लेते हैं, एंथर एनक्लोजेस माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये एंथर का क्रॉस सेक्शन है, अभी जिस एंथर को हमने देखा उसका क्रॉस सेक्शन है और उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा, यहां का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। सो एंथर एनक्लोजेस माइक्रोस्पोरेंजिया वेयर माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर डेवलप इंटू पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पॉलन टेट्राड बनता है और वहां से फिर पॉलन का राउंडिंग ऑफ हो जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम लेयर्स की बात करें, बाहर से लेके अंदर तक फोर लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर होती हैं, फोर लेयर्स होती हैं, अब तक तो आपको वो चारों लेयर याद भी हो गई होंगी। सो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, यू सी द मार्किंग ओवर हियर, एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर है एंडोथीशियम जिसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है जिसकी वजह से लाइन ऑफ डिहाइसेंस प्रोमिनेंटली ब्रेक हो पाती है और पॉलन का रिलीज होता है। कहां पढ़ा है इसके बारे में, चैप्टर का नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप बोलेंगे सर तो बार बार वही चीज बता रहे हैं। जी हां बच्चों, उसी चैप्टर में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो आफ्टर एंडोथीशियम कम्स द मिडिल लेयर्स, जो 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं वो मिडिल लेयर्स कहलाते हैं। मिडिल लेयर्स के बाद जो अंदर की लेयर है वो है टैपिटम, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है टैपिटम। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैपिटम दो तरह का होता है, अमीबॉइड एंड सेक्रेटरी। ये नहीं बोलने वाला कहां पढ़ेंगे आप, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। टैपिटम इज द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूसेस यूबिस्ट ग्रैन्यूल्स होते हैं टैपिटम के पास। यूबिस्ट ग्रैन्यूल क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन को बनाता है जो प्लांट्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहा जाता है। सो दैट इज द रोल ऑफ द टैपिटम। इतनी कहानी बताने के बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन करूंगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए, बच्चों कर क्या रहे हो आप लोग, लाइक्स लाइक्स लाइक्स। इसके बाद बात कर लेते हैं जो अंदर का एरिया है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। उस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या डेवलप होता है, आफ्टर मल्टीपल डिवीजन स्पोरोजिनस टिश्यू गिव्स राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, जैसे ही आ गया टर्म मदर सेल तो कहानी क्या होगी, इसके बाद सेल डिवीजन कैसा होगा, मियोसिस होगा। तो इसमें मियोसिस होकर पॉलन टेट्राड बन जाते हैं, ये होल स्टोरी आप जानते हैं। चलिए अब एक बार देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर में जब पोलन ग्रेन रिलीज होने की बारी है, देख सकते हैं दो थीका हैं कंटिन्यूएशन में, ये देखिए दिस इज वन थीका, दिस होल चेम्बर इज डिवाइडेड इनटू टू, है ना, एक इधर एक इधर, समझ आई बात। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर एंड दिस एरिया, ये यहां पर लाइन ऑफ डिहाइसेंस बनी थी और अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग की वजह से देख सकते हैं आप एंडोथीशियम की लेयर ने क्रैक प्रोड्यूस कर दिया है और वहां से पॉलन्स रिलीज हो रहे हैं। ग्रेट, नाउ बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल। सो पिस्टिल इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा कौन सा है, इसका टिप, ये जो एरिया है ये स्टिग्मा है जहां पर पॉलन्स लैंड करते हैं। स्टाइल जहां से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। ओव्यूल जहां पर सीड बनने वाले हैं, ओव्यूल के अंदर, यानी कि ओव्यूल सीड बन जाते हैं। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल किस जगह पर है, ओव्यूल के आसपास है लॉक्यूल, यानी कि वो गैप ओवरी के अंदर का वो गैप जहां पर ओव्यूल फिटेड है उसको बोलते हैं लॉक्यूल। तो यहां पर देख लीजिए दो लॉक्यूल हैं, ओव्यूल तो मल्टीपल हैं लेकिन चेंबर दो ही हैं, गैप्स दो हैं, एक इधर, दो लॉक्यूल हो गए। सो यहां तक आप समझ गए इस चीज के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के बारे में डिटेल में समझते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। ओव्यूल ऑकर्स इनसाइड द ओवरी, सो ओव्यूल कहां पाया जाता है, इनसाइड द ओवरी एंड इज अटैच टू प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है, राइट।
सो नाउ हैव अ लुक हियर, ये देखिए ओव्यूल्स है ना, तो ये एरिया जो है इसका प्लेसेंटा का काम करेगा, और प्लेसेंटा यानी कि एक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा है प्लेसेंटा के बारे में, मदर के यूटरस में डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, यहां भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, डिस्क शेपेड ही है। नाउ द क्वेश्चन इज, एक और टर्म होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, एक कॉर्ड होता है जो बेबी के एब्डोमेन से मदर की प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, वो ह्यूमन के केस में है। अगर हम प्लांट्स की केस में बात करें तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल इज इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगर कंपेयर करें, सो फ्यूनिकल इज इक्विवेलेंट टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के साथ और डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ ट्रांसफर हो रहा था न्यूट्रिएंट, यहां पर फ्यूनिकल वही काम कर रहा है। सो नाउ दिस ओव्यूल फ्यूजेस, फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द ओव्यूल एट द पॉइंट नोन एज हाइलम, ये देखिए ये पॉइंट है हाइलम। अब इसको एग्जैक्ट एक पॉइंट से डिस्कस करना मुश्किल है, क्योंकि जब सीड का डेवलपमेंट हो जाता है तो हाइलम थोड़ा सा बड़ा स्कार मार्क एरिया है, यहां तक आ जाता है, दिस इज द हाइलम, यानी कि अगर इसको हम सीड बना दें तो आप देखिए सीड का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो छोटा सा नॉच होता है, आपने मटर के दानों में देखा होगा, मटर को बड़ा कॉमन है घरों में आता है, आपने जब भी खोला होगा तो देखा होगा सीड एक छोटे से स्टॉक के साथ अटैच्ड है, जैसे ही स्टॉक से अलग करते हैं छोटा सा निशान दिखता है कि नहीं दिखता, वही निशान हाइलम है और जो स्टॉक है वो है फ्यूनिकल, दैट्स सिंपल। अब एक बार और देख लेते हैं, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय वन इंटेग्यूमेंट, इसके बाहर वन इंटेग्यूमेंट हो सकता है या टू इंटेग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इंटेग्यूमेंट्स का मतलब हो गया ये लेयर्स जो आप देख रहे हैं, तो दीज टू इंटेग्यूमेंट्स आर हियर, तो अगर वन इंटेग्यूमेंट है तो यूनिटेग्निक ओव्यूल बोलते हैं इसको, कहां पाया जाता है हायर डाइकॉट्स में पाया जाता है, और अगर दो हो गए बड़ी सिंपल सी बात है बाइटेग्निक बोलेंगे, याद रहेगा मोनोकॉट्स में और प्रिमिटिव डाइकॉट्स में कैसा स्ट्रक्चर होता है बाइटेग्निक होता है। और अब एक क्वेश्चन आज मैं आंसर चेक करने वाला हूं, आप जो टाइप करेंगे ये देख लीजिए ये किस टाइप का ओव्यूल है, इसका मुझे स्ट्रक्चर का नाम बता दीजिए, व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज दिस, मारिया नित्या प्रिशा सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, किस टाइप का ओव्यूल है क्विकली इसको टाइप करिए, मैं हट जाता हूं एक बार देख लीजिए, इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं, What type of ovule is this? What type of ovule? अभी आप लोग सोच ही रहे हैं शायद, कई तरह के ओव्यूल हैं, ऑर्थोट्रॉपस एनाट्रॉपस, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल द एनाट्रॉपस ओव्यूल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों, सो एनाट्रॉपस ओव्यूल है। और अच्छा अगर एक और चीज पूछूं, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस टिश्यू स्ट्रक्चर व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज राफे, जो इस टाइप के ओव्यूल में दिखता है, और यही सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। अब बात कर लेते हैं कहां से डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, आर्चिस्पोरियल सेल्स की बात कर लेते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स वो प्रिमिटिव सेल्स हैं जो जब फ्लावर यानी कि बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसके अंदर होते हैं, तो आर्चिस्पोरियल सेल कैसे सेल्स हो गए, मेरिस्टमैटिक सेल्स हो गए, बर्ड को जो फॉर्म करते हैं वो मेरिस्टमैटिक सेल्स आर्चिस्पोरियल सेल्स कहलाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन कभी मत क्रिएट करिएगा। तो अब ये क्या करते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, आउटर प्राइमरी वॉल बनाते हैं, आउटर प्राइमरी वॉल यानी का जो हमने तीन लेयर्स पढ़ी इसके पहले चार लेयर जो पढ़ी टैपिटम तक की, जो चार लेयर पढ़ी कौन सी, एपिडर्मल लेयर, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, टैपिटम, तो ये सारी लेयर फर्स्ट डिवीजन से आउटर प्राइमरी वॉल बनाएगा, आउटर प्राइमरी वॉल विल मेक ऑल दोज लेयर्स, और जो इनर वाला है जो स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है जो उस सर्कल के अंदर है, सो दैट इनर स्पोरोजिनस सेल्स विच देन डिफरेंशिएट इंटू मेगास्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस सेल के अंदर क्या है मेगास्पोर मदर सेल आएगा, मेगास्पोर मदर सेल, जैसे ही नाम आया मेगास्पोर मदर सेल, ये सिमिलर है माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ जिसको पोलन मदर सेल भी हमने बोला था। तो यहां पर अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ये जो आउटर प्राइमरी वॉल और इनर स्पोरोजिनस टिश्यू, ध्यान दीजिएगा बच्चों आर्चिस्पोरियल सेल्स दोनों टाइप के टिश्यूज को बनाते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर में भी बनाएंगे मेगास्पोर में भी, लेकिन यहां बात हम कर रहे हैं मेगास्पोर की। तो अब देख लेते हैं इसमें जो आउटर प्राइमरी वॉल है वो क्या बनाएगी, वो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर या टैपिटम नहीं बनाएगा, यहां पर क्या बनेगा जो मेगास्पोर मदर सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूसेलस बनेगा, इसके बाद के जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो बनेगा। आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू। सो आर्चिस्पोरियल सेल्स ही दोनों टाइप के स्ट्रक्चर को
डेवलप कराते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने इसमें नहीं देखा क्योंकि ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। सो आउटर प्राइमरी वॉल ओव्यूल के बाहर के हिस्से को बनाएगा और इनर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है मेगास्पोर मदर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसका मेगास्पोर मदर सेल काफी कम होता है एंड यूं कहें कि एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगा जिसके अंदर सिंगल ओव्यूल होगा। ठीक है, अब क्या बात होती है, मेगास्पोर मदर सेल जैसे ही हुआ आप समझ जाइए मियोसिस होना है। मियोसिस का प्रोडक्ट क्या है, 4 हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स, यानी कि उनको हम मेगास्पोर बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर के केस में जितने भी बनते थे स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल सारे के सारे पोलन में कन्वर्ट होते थे, यानी कि पूरा का पूरा टेट्राड पोलन में बदल जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि 4 जो बनते हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 डीजेनरेट एंड ओनली 1 सर्वाइव्स। तो जो सर्वाइविंग वाला है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा अब डिवीजन करके एम्ब्रियो सैक। वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एम्ब्रियो सैक। कैसा एम्ब्रियो सैक होता है देख लेते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर द बर्गर्स, काफी सारे बर्गर दे दिए बच्चे, पूरा ऑफिस खा लेगा। चलिए धीरज श्रवण बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। लाइक्स दबते रहने चाहिए, क्या कर रहे हो, मतलब बर्गर भेजो अच्छी बात है बट लाइक्स भी जरूरी है। चलिए ये लाइन भी देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सेम डेफिनेशन गोज फॉर माइक्रोस्पोर, मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सिमिलर टर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ समझना यह है कि इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू। नाउ जो मेगास्पोर सर्वाइव किया जिसके बारे में हमने अभी बात करी, मेगास्पोर विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि द वन विच हैज सर्वाइव्ड, सो दैट अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, पहले 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर 2 बार और होगा, बार बार 2 बार होगा, यानी कि एक के बाद एक, तो दैट विल फॉर्म 2 से बने 4, 4 से बने 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक, जिसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोला जाता है, विच इज द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक, दैट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, और वो यही है जो डायग्राम आप देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द आइडियल कंडीशन। Now, cell wall formation starts at the 8 nucleate stage, resulting in the formation of a typical female gametophyte. Cell wall formation जब होगा 8 nucleate stage में कितने cell बनेंगे? 7 cells will be formed. कितने cell बनेंगे? 7 cells. देख लीजिए 3 यहाँ पर हैं. Antipodals, 3 here, 2 synergid, 1 egg cell. और इसके अलावा 2 polar nuclei. है ना? ये सारा का सारा structure बन जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड में। अब बात करते हैं पॉलिनेशन। हमने माइक्रोस्पोर भी बना लिए, पोलन भी बना लिए, मेगास्पोर यानी कि एम्ब्रियो सैक भी डेवलप हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट भी डेवलप हो गया, मेल गैमेटोफाइट भी डेवलप हो गया। बचा क्या है, उस मेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट तक ट्रांसफर करना है। उसके लिए कुछ एजेंसीज को हायर किया हुआ है प्लांट्स ने, या तो किसी को हायर नहीं करता, तो विंड तो सबके लिए है भाई, हवा हर जगह है, लेकिन कुछ एजेंसीज को हायर किया, उनको टैक्स भी पे करते हैं वो। ये पॉलिनेटर्स जो आप देख रहे हैं, ये पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, इनको कुछ ना कुछ टैक्स मिलता है प्लांट से, इसी वजह से ये आते हैं और पॉलिनेशन जैसे वंडरफुल प्रोसेस को अंजाम देते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बहुत तरीके हैं, बहुत टाइप्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ कम्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में कैसा होता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। देख लीजिए पोलन ग्रेन लैंड करेगा, पोलन ग्रेन यहां पर लैंड करेगा और पोलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी आप समझ चुके हैं, ये देखिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इट्स गोइंग 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 और यहां जाके फ्यूज हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा, वो वन ऑफ द सिनर्जिड के साथ फ्यूज करेगा, उसको डीजेनरेट करेगा, रास्ता खोल देगा, देन कम्स द फर्स्ट मेल गैमीट। फर्स्ट मेल गैमीट क्या करेगा, सिनगैमी करेगा, किसके साथ, फीमेल एग सेल के साथ, और इसके बाद आएगा सेकेंड मेल गैमीट जो सेंटर में जाके दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट बनाएगा, जिसको बोलते हैं पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये मैकेनिज्म आप अच्छे से समझ चुके हैं, एक तरह से रीकैप हो गया अभी यहां पर। अब देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है। दो प्रोसेस होते हैं इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी पहला प्रोसेस,
ट्रिपल फ्यूजन दूसरा प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं इस वजह से फर्टिलाइजेशन कैसा है डबल। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चों कभी कंफ्यूज मत होना, दो एम्ब्रियो नहीं बनेंगे, और अगर कहीं दूसरा एम्ब्रियो बन गया तो क्या बोलेंगे उसको, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, जो सिट्रस वगैरह में देखा जाता है, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी में आप पढ़ चुके हैं। ट्रिपल फ्यूजन समझ आई बात, तो इसको समझ लेते हैं। सिनगैमी, वन मेल गैमीट प्लस द फीमेल गैमीट, यानी कि जो फीमेल एग सेल है उसके साथ मेल गैमीट का फ्यूजन, फॉर्मेशन किसका हुआ, जाइगोट, ये जाइगोट ही एम्ब्रियो बनेगा और दूसरा वाला एम्ब्रियो नहीं बनेगा, लेकिन वो एम्ब्रियो के लिए खाना बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए। सो ट्रिपल फ्यूजन में अदर मेल गैमीट प्लस द टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड द फॉर्मेशन इज एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, फिर वो डिवाइड करेगा। तीन तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, सेल्यूलर, न्यूक्लियर, फिलोबियल। तो ये तीन तरह के एंडोस्पर्म, ओके मैं समझ गया आप पढ़ चुके हैं। सो दिस इज फर्टिलाइजेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन उसके बाद होता है। इस डायग्राम को देख करके, इस पिक्चर को देख करके आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी कि भाई ओव्यूल फॉर्म द सीड एंड द ओवरी बिकम्स द फ्रूट। तो आपको सीड भी दिख रहा है और फ्रूट भी दिख रहा है। तो सीड में देख लीजिए यहां क्या क्या दिख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है किसका, टोमेटो का, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो के क्रॉस सेक्शन में दो तीन चीजें मैंने दिखाई हुई हैं। चलिए बच्चों लाइक्स का रेशियो बढ़ाते रहिए, कर क्या रहे हैं टमाटर, ओके हैव अ लुक, दिस ओवरी, ओवरी इज द फ्रूट, क्या बना ये बदल गया फ्रूट में। इसके बाद ओव्यूल जो थे वो बन गए सीड, और ओव्यूल यानी कि सीड्स जो अटैच्ड हैं वो किसके साथ अटैच्ड हैं, सो दे आर अटैच्ड विद दिस टिश्यू। देखिए ये टिश्यू जो है, दिस टिश्यू इज नथिंग बट प्लेसेंटा, ये टिश्यू और कुछ नहीं है, यही है प्लेसेंटा। ये देखिए डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, जहां से सारे सीड्स अटैच्ड हैं वही है प्लेसेंटा, और सीड जिससे अटैच हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है फ्यूनिकल। सो दैट इज द फ्यूनिकल जिसके साथ सीड अटैच्ड है। इसके बाद देख लेते हैं एक और फ्रूट, बेहतरीन फ्रूट, दिस इज पपाया, इसके बारे में जानते हैं, इसके अंदर सीड्स काफी हैं। इसको मैंने जानबूझकर इंक्लूड किया है। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे टमाटो, टमाटो में भी सीड काफी होते हैं, यानी कि बीच का जो पल्पी सा स्ट्रक्चर है वो सब सीड से ही भरा होता है। इसके बाद हो गया पपाया, वाटरमेलन में भी भरपूर सीड होते हैं। नाउ अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, यानी कि मान लीजिए अगर इस पपाया में 200 सीड हैं, ये तो हाफ है, इसमें 100 आपको दिख ही रहे होंगे, अदर हाफ को मिला के अगर मान लीजिए 200 सीड्स हैं, तो क्या इसका मतलब जब पॉलिनेशन हुआ था तो 200 पॉलेन आए होंगे, क्योंकि एक पॉलेन से एक ही सीड बनता है, तो इतने सारे सीड बने। सो द क्वेश्चन इज डू यू थिंक कि 200 पॉलेन्स वुड हैव लैंडेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर टू गिव राइज टू 200 सीड। आप सिर्फ यस या नो में आंसर करें इसका, मैं एक बार चेक करता हूं आप क्या समझते हैं, क्योंकि सीड का नंबर और भी ज्यादा हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सीड 600 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं। आपने मस्क मेलन खाया हुआ है, खरबूजा कितनी सीड होती है उसके अंदर, कद्दू कितनी सीड होती है उसके अंदर, तो सीड की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो सकती है। सो इन ईच ऑफ द केसेस अगर सीड 200 है या 300 है या 500 है, सो डू यू थिंक दैट 500 पॉलेंस वुड हैव लैंडेड ऑन द स्टिग्मा टू फर्टिलाइज ऑल दोज सीड। द क्वेश्चन इज अ यस और अ नो, इट इज अ यस, इट इज अ यस, और कोई मैकेनिज्म नहीं है बच्चों। अगर फर्टाइल सीड का प्रोडक्शन हो रहा है जो कि पॉली एम्ब्रियोनी के थ्रू नहीं है, तो जितने भी ओव्यूल थे उतनी पॉलन ट्यूब आनी पड़ेंगी, क्योंकि पॉलन ट्यूब की कोई ब्रांचिंग नहीं होती कि पॉलन ट्यूब आधी दूर तक आई, उसको इंफॉर्मेशन मिला भाई आगे ओव्यूल कम से कम 500 है, तो 500 ब्रांचेस बन गई फटाफट, ऐसा कोई रूल नहीं है। पॉलन ट्यूब को इस तरह का कोई गाइडेंस नहीं है कि आपको ब्रांच होना है रिवर की तरह, है ना। तो पॉलन ट्यूब, एक पॉलन ट्यूब एक ओव्यूल के साथ फ्यूज करेगी, तो जितने फर्टाइल सीड होंगे यानी कि जो वायबल सीड हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हो रहे हैं, जो डबल फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हो रहे हैं, जो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्म हो रहे हैं, उन सब के लिए एक एक पॉलन की जरूरत है, और एक एक पॉलन ने एक एक पॉलन ट्यूब बनाई होगी। तो यह मैकेनिज्म इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ह्यूमन जीनोम के बारे में, जहां पर एक सेल के अंदर 3 बिलियन
न्यूक्लियोटाइड्स को फिट कर दिया जाता है बच्चों। हमारे बॉडी का एक सेल, हमारी पूरी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक सेल के अंदर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को पैक किया जा सकता है। तो क्या एक फ्लावर के स्टिग्मा पर 500 पॉलेंस नहीं लैंड कर सकते? जबकि पॉलेन हम जानते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलेंस आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, वी ऑल नो अबाउट इट। तो इसमें सारी क्लैरिटी है आपको कि पॉलेन बहुत छोटे होते हैं तो बहुत सारे पॉलन ग्रो कर सकते। इज दैट क्लियर? आई बिलीव ऑल ऑफ यू। महेश थैंक यू, आर्या थैंक यू, किंग, रितु, अनुराग, हनी, यश, टीकाराम, अजरा, बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आया। तो प्लांट किंगडम हमारा आज से समाप्त हो रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस के बारे में। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने क्या देखा, जब हमने पढ़ा थैलोफाइटेस के बारे में, तो थैलोफाइटेस के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये थी कि थैलोफाइटेस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहते हैं ज्यादातर अपने लाइफ साइकिल में। डिप्लॉइड कब बनते हैं? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और डिप्लॉइड बनते ही मियोसिस हो जाता है, जाइगोटिक मियोसिस के साथ वो खत्म हो जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं? खत्म मतलब डिप्लॉइड स्टेज खत्म, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन वहीं खत्म हो गई, फिर आ गए गैमेटोफिटिक जनरेशन में हैप्लॉइड। तो इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक बोला जाता है। इसके बाद जो ब्रायोफाइटेस और टेरिडोफाइटेस आए, उनमें हमने क्या देखा कि स्टार्ट तो होते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन से, स्पोर से, और उसके बाद आ जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी कि दोनों के दोनों जनरेशन प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइटिस में बिल्कुल क्लियरली गैमिटोफाइट आता है, फिर स्पोरोफाइट आता है। टेरिडोफाइटिस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्या फर्क है? गैमिटोफाइट आता है प्रोथैलस के नाम पर, प्रोथैलस के फॉर्म में छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, एंथेरिडियम आर्केगोनियम बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जो प्लांट ग्रो करता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो गैमिटोफाइट से कहता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद रूट बना लेता है। ट्रू रूट होती है उसमें, फर्स्ट प्लांट टू बियर वैस्कुलर बंडल। लेकिन जो जेनरेशन है उसको हम इसमें भी हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही बोलेंगे। ब्रायोफाइटिस में कैसा जेनरेशन है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। इसमें कैसा जेनरेशन है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। लेकिन आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 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 रुकिए रुकिए रुकिए, कहीं पढ़ा था डिप्लो हैप्लॉन्टिक। अरे भाई, जब साइकिलिक फॉर्म है तो चाहे हैप्लो डिप्लॉन्टिक हो या डिप्लो हैप्लॉन्टिक हो, बात तो वही हो गई ना, साइकिल ही तो घूम रहा है पूरा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। सो इट इज अप टू यू वेदर यू कॉल इट हैप्लो डिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक। अब कभी कभी क्या होता है, जो जनरेशन ज्यादा है उसके हिसाब से रख लिया, नहीं नहीं बोले टेरिडोफाइटिस में डिप्लॉइड फेज ज्यादा देर तक रहेगा, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन ज्यादा देर तक है, प्रीडोमिनेंट है, तो इसको नाम रख देते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक। बात वही है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद आ जाता है ट्रू जो डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक समझ लिया, हैप्लो डिप्लॉन्टिक समझ लिया, या डिप्लो हैप्लॉन्टिक, एक ही बात है। इसके बाद आ गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन को ही दे दिया गया है सारा जिम्मा, आप ही संभालो जी। गैमिटोफाइट क्या हो गया? पॉलन के फॉर्म में आता है या एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में आता है, इसके पहले और इसके बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पूरा का पूरा मैंगो ट्री को देख लीजिए, जड़ से लेकर तने तक, ऊपर टिप तक, हर जगह डिप्लॉइड सेल्स हैं। हैप्लॉइड कहां आएगा? जब फ्लावर बनेगा तो उसके अंदर, फ्लावर भी पूरा हैप्लॉइड नहीं है, उसके अंदर बनेगा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम पोलन बोलेंगे, या फिर ओव्यूल बोल सकते, एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल भी पूरा नहीं है हैप्लॉइड, सिर्फ एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, ओव्यूल में भी न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट डिप्लॉइड है। समझ में आई बात? तो ये कैसा लाइफ साइकिल है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो इसको लेकर के आपके एनसीईआरटी में लास्ट के पेज में, जहां चैप्टर खत्म हो रहा है, तीनों लाइफ साइकिल पैटर्न को दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक एक वर्ड जो मैंने कहा है ये आपको वहां मैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ द सीड को, अब सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो अपना टिपिकल सीड होता है उसको देख लेते हैं। एम्ब्रियो एंड फूड, एम्ब्रियो कहां से बना, एम्ब्रियो कौन से फॉर्मेशन से बना, एम्ब्रियो बना थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी, किससे बना, सिनगैमी। और फूड किससे बना, फूड बना एंडोस्पर्म से, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है फूड। तो पार्ट ऑफ द सीड की बात करें तो एम्ब्रियो, जिसके दो पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, और बात करें अगर फूड की तो फूड क्या हो जाता है, दैट फूड जो कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म से होता है, वो सारा का सारा कॉटिलिडन में स्टोर हो जाता है, सारा का सारा
कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी एंडोस्पर्म रह जाता है, किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। तो ये सीट देख लीजिए, दिस इज मोनोकॉट, इसमें खूब सारा एंडोस्पर्म दिख रहा है, ये देखिए एंडोस्पर्म भरा हुआ है। और इसका कॉटिलिडन कहां गया, फिर कॉटिलिडन इसमें छोटा सा है, इस जगह पर है, ऐसे शील्ड शेपेड, ऐसे करके टेढ़ा करके एक पतला सा कॉटिलिडन आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्कुटेलम, जिसको क्या बोलते हैं, स्कुटेलम। और डाइकॉट में कॉटिलिडन को कॉटिलिडन ही बोलते हैं, स्कुटेलम नहीं बोलते। किसी किसी मोनोकॉट में, जैसे कि कोकोनट में भी स्कुटेलम टर्म नहीं आता, उसमें भी हम क्या बोलते हैं, सिंगल कॉटिलिडन। और कॉटिलिडन इज द फूड फॉर व्हाट, फॉर द बेबी एम्ब्रियो, एन एम्ब्रियो। ये देखिए, तो यहां पर ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है आपको, इस एम्ब्रियो को खाना देगा ये येलो कलर्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सीड। अब फाइनली बात कर लेते हैं अपने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अभी हमने डिस्कस किया कि लाइफ साइकिल कैसी है इसकी, एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल कहलाती है। तो स्टार्ट हुआ था हैप्लोंटिक से, फिर हैप्लो डिप्लोंटिक आया, अब आ गया डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल को एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल, अब ये चूंकि साइकिल है, चाहे जहां से शुरू कर सकते हैं, इजंट इट, साइकिल यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को राउंड सर्कल में तो कहीं से भी शुरू करो, घूमकर वहीं आना है। सो लेट अस गो, कौन से पार्ट में जाऊं, कौन से पार्ट में, फ्लावर से शुरू करते हैं। देख लीजिए ये फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर दो स्ट्रक्चर बनेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, एंड देन वी हैव द मेगास्पोर। मेगास्पोर कहां से आया, मेगास्पोर मदर सेल। तो एक तरफ माइक्रोस्पोर का कंडीशन चल रहा है, दूसरी तरफ मेगास्पोर का कंडीशन चल रहा है, सेम सेम है, बस फर्क इतना है कि उसमें बनते हैं पोलन और इसमें बनता है एम्ब्रियो सैक। तो पोलन में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड से बन गए ये देखिए पोलेंस, पोलेंस के अंदर आ गया ट्यूब सेल एंड द जेनरेटिव सेल, ये दोनों स्ट्रक्चर आ गए पोलन के अंदर, ट्यूब सेल और जेनरेटिव सेल आ गए। इसके बाद ये देखिए पोलन, ये रहा पोलन आ रहा है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ यहां होगी, और ये स्ट्रक्चर देखिए यहीं पर पहुंच गया, ये वाला स्ट्रक्चर तो यहीं पर पहुंच गया, और इधर से पोलन भी आके यहां पहुंच गए। अब क्या होगा, बनेगी पोलन ट्यूब और बन जाएगा डिप्लॉइड जनरेशन। तो आपने देखा कि जो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल है वो फ्लावर के अंदर थोड़े से पार्ट के लिए आता है और वो इंडिपेंडेंटली नहीं बिहेव कर पाता, क्योंकि पोलन की अगर हम 1% बात कर लें कि जब रिलीज हो गए प्लांट से तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि उनको पैक कर दिया गया फूड। लेकिन अगर हम ओव्यूल यानी कि एम्ब्रियो सैक की बात करें, एग सेल की बात करें, तो ये तो इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये डिपेंडेंट है। लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एम्ब्रियो सैक के ऊपर डिपेंडेंट है। एम्ब्रियो सैक के पास काफी सारा मटीरियल होता है, लेकिन एम्ब्रियो सैक भी मटीरियल इधर उधर से लेकर आता है, कहां कहां से लाता है, फिलीफॉर्म एपारेटस, कहीं से छोड़ता ही नहीं, न्यूसेल्लस से भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एंटीपोडल्स वो भी न्यूसेल्लस से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, सबको लेकर के उसी एम्ब्रियो सैक में ही डालना है। तो डिपेंड तो प्लांट के ऊपर ही हो गया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहा, इस वजह से इसको हम डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। जब भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा गैमिटोफाइट का, तो हैप्लोंटिक भी जुड़ जाएगा, और अगर दोनों का इंडिपेंडेंट हो गया या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन एक के बाद एक आते हैं, तो दोनों के दोनों आ जाते हैं हैप्लो डिप्लोंटिक। आई बिलीव नाउ द लाइफ साइकिल वाला भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। सो नाउ लेट मी हैव अ लुक। सृष्टि थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, श्यान थैंक यू फॉर द चॉकलेट पिज्जा, अभय श्रवण हनी, चलिए बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज, तो लाइक्स दबते रहने चाहिए। इसी के साथ हमारा प्लांट किंगडम समाप्त हो रहा है, इसके ऊपर एक क्विज भी रखेंगे जिसमें प्लांट किंगडम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके किशमिश पुष्की वेलकम बच्चों, लाइक्स के रेशियो को कम नहीं करने देना है, बढ़ाते रहिए लाइक्स, एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहिए। और अब हम चलते हैं अपने सेशंस के बारे में, जान लेते हैं क्लास 11th की जो क्लासेस होती हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बायोलॉजी फ्रॉम 7 PM, फिजिक्स फ्रॉम 8 PM, फ्रॉम केमिस्ट्री 9 PM। इसके अलावा मेरा जो क्लास होता है 11th वालों के लिए, दैट इज फ्रॉम 4 to 5। तो कल के सेशन में जरूर जुड़िएगा, कल के सेशन में हम मॉर्फोलॉजी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इन्हीं एंजियोस्पर्म्स के बारे में और सारा डिस्कशन करेंगे। 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे बायो का जो क्लास है वो 7 PM पर होगी। इसके अलावा एक 4 to 5 सेशन भी होता है बायोलॉजी के लिए, विच ईदर आई विल टेक और सचिन सर विल टेक, सो दैट इज फॉर क्लास 12th। और अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं और आप डिटेल्ड स्टडी के लिए जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो करिएगा कोड यूज प्रदीप लाइव, यू विल आल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस।
तो इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है, मेरे सेशंस में आना है, मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो मेरा कोड यूज करिएगा. दिस इज द की टू गेट ज्वाइन विद दैट रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म. बाकी क्लासेस आप सबकी अटेंड कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करेंगे, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं. तो बच्चों जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इतना बड़ा गुनाह अब तक कैसे आपने करते रहे हैं इतने दिनों तक, तुरंत के तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए. एंड दिस कम्स विथ अ डबल डेकर ऑफर, इसके साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है और सेशंस को शेयर कर दिया करिए #NEET Live Daily के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर. दैट्स ऑल बच्चों फॉर टुडे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय.